तो हेलो गाइस, कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज जो मैं गेम टेस्ट करने जा रहा हूँ वो है ड्रैगन बॉल जी ककारोट। और इसके लिए जो मैं लैपटॉप यूज़ करूँगा वो है अभी तक पूरा, और स्पेसिफिकेशन मेरा वही सेम है, राइजन 5 3500U IGPU Vega 8। तो हाँ यार, यही कुछ है। और सेटिंग की बात करूँ तो 720p पर हम इसको टेस्ट करेंगे, लो पर फिर करेंगे 720p हाई पर, और एंड में हम करेंगे 180p पर, और तीनों सेटिंग में देख लेंगे। और विदाउट रिकॉर्डिंग की बात करें तो विदाउट रिकॉर्डिंग हमें 10 FPS तक ज़्यादा मिल जाता है इस गेम के ऊपर, और ऐसे फ्लैक्चुएट होते रहता है। तो मैंने सोचा कि भाई विदाउट रिकॉर्डिंग हम टेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको मैं बता दिया मुँह से कि हाँ भाई 10 FPS का फ़र्क मिल जाता है। तो चलो यार, फटाफट से मैं दिखा देता हूँ सेटिंग सेटिंग मैंने क्या कुछ कर रखा। तो सेटिंग तो मैंने आपको बोल दिया, मैं 720p लो पर सेटिंग करूँगा पहले। तो अभी मैं इसको लो कर लेता हूँ फटाफट से, शैडो को भी मैं लो कर लेता हूँ। इसमें कुछ ज़्यादा सेट करने को है नहीं, एंटीलाइजिंग है और शैडो ही है। बाकी जो ग्राफिक जो होता है मेन ग्राफिक वो उसमें सेट है हाई पर, उसको आप कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ऑप्शन ही नहीं है भाई अवेलेबल। तो हाँ यार, हमारा गेम स्टार्ट हो गया, कट सीन आ गया। कट सीन ये 30 FPS का ही होता है, तो लैपटॉप को कोई प्रॉब्लम नहीं है, 30 FPS पे ही कट सीन होता है इस गेम का। तो अभी स्टार्ट हुआ छोटा गुहान से, स्किप कर देते हैं हम, अभी ये नहीं देखेंगे, सीधा फाइट हो जाएगा पिकोलो से। तो मैं पिकोलो से फाइट करता हूँ यार। ऐसे मैंने फाइटिंग गेम ड्रैगन बॉल जी की खेली है पहले, बट यार ठीक है, इसको मारते हैं अभी। ये कौन सा पावर है? ओहो, जिगल जिगल यार, पबजी के तरह इसमें जिगल जिगल दे रहा था मैं। आमे कामे हाँ करके पावर आता था भाई, याद नहीं मुझे क्या बोलते हैं उसको, वैसा यही था या जो भी था। मैंने इसके कार्टून देखी थी यार, शायद कार्टून नेटवर्क पे आता था, बहुत पहले की बात है, 2003-04 की बात है। बस उसी वक्त मैं जो भी देखता था ड्रैगन बॉल जी की, अब तो बहुत दिन से मैंने नहीं देखी है। मैंने 2011-12 के टाइम पे इसका गेम खेला था, फाइटिंग गेम, बाकी शायद कुछ नहीं। इसके बाद मैंने ड्रैगन बॉल जी देखा ही नहीं है, तो मुझे पता नहीं है, बहुत दिन बाद मेरा पहला गेम है। कुछ कुछ कैरेक्टर का नाम मुझे अभी पता, जैसे पिकोलो हो गया, गोकू है, गुहान है, और कुछ और भी है, वजीटा, और पता नहीं कौन कौन से बहुत है, जब दिखेंगे तो अचानक से याद आ जाएगा। अब ये कौन सा पावर छोड़ रहा है भाई, इसे मतलब बचने का अपने को, इसका एनर्जी ख़त्म हो गया, फटाफट से पास चल के इसको मारते हैं। ये सही है यार, मतलब सामने वाला अगर अपना पूरा पावर अगर छोड़ दे एक बार में, तो उसका एनर्जी कम हो जाता है, आप जाके दोबारा उसको भाई दे सकते हो खाने पर। तो यार ये बंदा मर क्यों नहीं रहा है भाई इतना जल्दी? तो भाई मॉर्टल कॉम्बैट में भी मैं किसी को मार सकता हूँ, इसमें अभी तक बंदा नहीं मर रहा है। तो यार मैं कब से फाइट कर रहा हूँ यार, सच में मर नहीं रहा है। चलो यार, इसका अभी पावर कम हुआ था एक्चुअली, तब मरा, बीच का मैंने पार्ट भी थोड़ा सा स्किप कर दिया, तो ये रीज़न है। बाकी चलो फाइनली इसको मार दिए, तो कट सीन एक छोटा सा चलेगा। देख लो, कट सीन जो है 30 FPS में इस गेम के लिए बनाया गया है, तो ऐसा नहीं है कि लैपटॉप पुश नहीं कर पा रहा है 60 तक, ऐसे 60 टच नहीं कर पाता। अगर रिकॉर्डिंग ऑफ रहेगी लो सेटिंग में तो 60 पे रहता है गेम, लेकिन विदाउट रिकॉर्डिंग की बात करें तो यार थर्ड पर्सन में आ चुका है। मैंने ड्रैगन बॉल जी की पहली गेम देखी है थर्ड पर्सन में, मतलब मैंने बचपन में भी देखी थी, तो फाइटिंग गेम होती थी वो। और हमें करना क्या है, छोटा गोहान हमारे साथ जो सामने गया है, छोटा सा गोहान गया है, वो छोटा सा देखो कहाँ चल रहा है भाई साहब, इसको एप्पल तोड़ के देना है। मुझे ज़्यादा फाइटिंग गेम पसंद है नहीं ऐसे, मुझे कुछ गेम्स पसंद है जैसे कि मॉर्टल कॉम्बैक्ट है, बस यही मैं खेलता हूँ, मुझे फाइटिंग गेम में और कुछ गेम पसंद नहीं है। मुझे ज़्यादातर एक्शन एडवेंचर गेम्स पसंद है, जिसमें GTA हो गया, टूम रेडर हो गया, और इस टाइप की गेम हो गई, जैसे कि बहुत सारे गेम्स हैं ऐसे में, तो यही सब गेम मुझे ज़्यादा पसंद आता है। मुझे ऐसे एक साइड बाई साइड फाइटिंग गेम्स होती है, उसमें एक बस मॉर्टल कॉम्बैक्ट पसंद है और कुछ नहीं। तो हाँ यार गाइस, अब मैं फटाफट से जो सेटिंग है ना उसको मैं चेंज करके 720p हाई कर देता हूँ। तो हाँ यार गाइस, मैंने 720p हाई पे कर दिया है सेटिंग को, और ये छोटा सा कट सीन कैसे आ गया है, इसको बंद करो। तो अब हम देखते हैं FPS हमें कैसा मिल रहा है। तो अगर आपने शुरू से FPS नोटिस किया हुआ तो अभी देख लो कैसा FPS मिल रहा है। FPS मतलब ठीक है, अब हाई सेटिंग पे भी आपको इतना FPS मिल जाता है। अब जो मैं ये क्या बोलते हैं 180p पे जब मैं टेस्ट करूँगा तो मैं सेटिंग को हाई नहीं रखूँगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 180p पे हाई सेटिंग और साथ में रिकॉर्डिंग FPS तगड़ी मिलेगी। इसलिए देखो अभी FPS कम हो गया, इसलिए मैं जो है 180p पर लो सेटिंग कर लूँगा जो नॉर्मली स्टार्टिंग में था। तो अभी मुझे FPS काफ़ी कम मिल रहा है, अब इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, जैसे नॉर्मली गेम है तो अभी पता नहीं मुझे करना है क्या है। छोटा सा गुहान जो है ना, खुद भी नहीं चल रहा है, मैं इससे आगे चला जा रहा हूँ तो रोने लग रहा है। अब इसको भाई क्या किया जाए।
इस गेम में जो स्टोरी है मुझे लगता है एकदम शुरू से दिखा रहा है, जो मैंने बचपन में देखी थी। छोटा तो गुहान रहता है, और भाई गुहान इतना धीरे चल रहा है कि कोई ऑप्शन रहता तो मैं इसे गोद में उठा लेता। बट भाई पता नहीं यार क्या बोल रहा है, गुहान के क्लोज जाओ। एक मिनट, ये क्या कट सीन शुरू हो जा रहा है यार इसको। ओके हाँ भाई मेरे को पता है, तो गोद में मैं उठा तो लेता हूँ तेरे को। ओके तो भाई ये खुद उठा रहा है, अब मैं फटाफट से जो सीन कट करूँ। मगर यार इसको मैंने गोद में तो उठा लिया, बट भाई गोकू को बहुत धीरे मैं चला पा रहा हूँ, मैं मतलब दौड़ा नहीं पा रहा हूँ, ये धीरे धीरे चल रहा है। और FPS देखो, एक सेकंड के लिए FPS देखो भाई, कम हो चुका है, 23 आ गया, 27 वापस सही हो गया, 30 हो चुका है। अब मैं फटाफट से 180p पे कर लेता हूँ। तो हाँ यार गाइज, मैं 180p पे आ चुका हूँ, और सेटिंग को मैंने लो रखा है 180p है। और गेम तो भाई साहब देख लो यार क्या हालत हो चुकी है गेम की, गेम मतलब मरने वाला है बिल्कुल। 20 FPS हो गई है, ऐसा मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर रखा है, तो आई थिंक मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करूँगा तो ज़्यादा FPS मिलेगा। लेकिन मैंने विदाउट रिकॉर्डिंग भी खेली है गेम को, और गेम मिनिमम अगर मैं बोलूँ तो 30 तक जाता है, 30 से ऊपर भी 32 तक जाता है, लेकिन अगर मैं स्वीट स्पॉट बताऊँ तो यार 28 के ऊपर रहता है विदाउट रिकॉर्डिंग। तो हाँ यार यही है कुछ, और रिकॉर्डिंग के साथ देख लो यार 22 21 ऐसे FPS मिल रहे हैं। मुझे करना क्या है, फिशिंग वगैरह करना है, छोड़ो यार मैं नहीं कर रहा हूँ। तो मैं देख लेता हूँ थोड़ा बहुत दौड़ के, आपको दिखा देता हूँ ये 180p पे कैसा अपना गेम चल रहा है। तो देखने लायक तो कुछ है नहीं यार, वही है 20 FPS दे रहा है विदाउट रिकॉर्डिंग, 28 या 30 मिल जाएगा, 28 मिलता है स्वीट स्पॉट मैंने बोला वहीं पर 28 पे रुकेगा वो FPS, ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होगा। तो हाँ यार ये देख लिया आपने 180p पे हमारा गेम कैसा चल रहा है। तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने देखा, राइजन 5 3500U इस गेम को कैसे हैंडल कर पा रहा था। मेरे नज़र में गेम बिल्कुल प्लेबल है 720p हाई सेटिंग पे और 720p पर। और अगर आपको 180p ज़्यादा पसंद है, ऑब्वियसली यार इस टाइप का जो गेम है कार्टूनिस्ट गेम 180p पे ज़्यादा अच्छा लगता है। ग्राफिक ज़्यादा हाई रखो या ना रखो, रेजोल्यूशन ज़्यादा अच्छा रखोगे तो ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो 180p पे भी आप खेल सकते हो, 30 FPS 28 FPS मिल जाएगा विदाउट रिकॉर्डिंग। तो यही कुछ था, और इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ ऐसी कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, गुड बाय।